हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मर्क मैनुअल से मैं जो भी स्टडी किया करूँगा उसको बेहतर मेमोराइज़ करने के लिए मैं एक वीडियो बनाया करूँगा और यूट्यूब के ऊपर उसको डेली अपलोड किया करूँगा। तो जो मेरा फेवरेट चैप्टर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सबसे डिफ़िकल्ट और टफ चैप्टर है, तो इसको मेमोराइज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टर्म्स भी बहुत मुश्किल होती हैं, तो उनमें से मैं काफ़ी कुछ भूल भी चुका हूँ, कुछ नया भी मुझे सीखने को मिल रहा है मर्क मैनुअल से। तो जिसकी वजह से मुझे जो अपने नोट्स हैं जो हमें टीचर्स ने ड्यूरिंग DVM हमें पढ़ाए थे वो भी मुझे रिवाइज़ करने पड़ते हैं, और गूगल से भी मुझे ना वर्ड्स देखने पड़ते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इंशाल्लाह मैं कोशिश जारी रखूँगा और विद इन 6 मंथ मैंने इस मर्क मैनुअल को और अपनी जो बेसिक सर्जरीज हैं उनको कंप्लीट करना है, ताकि मैं नेवले वगैरह का जो टेस्ट होता है वो आसानी के साथ पास कर सकूं। तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो अनीमिया है। जो अनीमिया है वो हम लोग एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहत है, एनिमल्स में अनीमिया क्यों होता है। जो अनीमिया है हम उसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देर इज़ एन एब्सोल्यूट डिक्रीज इन द रेड सेल मास। जब RBCs की अमाउंट कम हो जाती है तो ब्लड के अंदर हम उसको कहते हैं कि अनीमिया। जो RBCs की अमाउंट है हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग CBC कर सकते हैं, जिसमें हम लोग RBCs को काउंट करते हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन को फाइंड किया जा सकता है, और पैक्ड सेल वॉल्यूम को भी हम लोग फाइंड करके कैलकुलेट करके और RBCs की जो एक्चुअल अमाउंट है हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं। जो RBCs ब्लड के अंदर होती हैं उसकी अमाउंट इस 3 वजूहात की वजह से कम होती है। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि ब्लड का लॉस हो रहा है, मे बी ड्यू टू ट्रोमा। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है डिस्ट्रक्शन हो रही है RBCs के, और थर्ड रीज़न ये है कि जो RBCs की प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो ही लेस हो रही है या बिल्कुल हो ही नहीं रही। अनीमिया को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिजनरेटिव अनीमिया, एंड जो सेकंड वन है वो है नॉन रिजनरेटिव अनीमिया। इन रिजनरेटिव अनीमिया बोन मैरो एब्सोल्युटली रिस्पॉन्ड टू डिक्रीज RBCs कंसनट्रेशन इन द ब्लड। जो बोन मैरो होता है वो जो RBCs की जो अमाउंट ब्लड में कम हो चुकी है उसको कोप करने के लिए RBCs की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, और ब्लड के अंदर रेटिकुलोसाइट्स की इंडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेटिव अनीमिया। जो रीजनरेटिव अनीमिया होती है ये हीमोलाइसिस की वजह से होती है या फिर हेमरेजिस की वजह से होती है। जो सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें जो टाइप आती है वो है नॉन रीजनरेटिव अनीमिया। जो नॉन रीजनरेटिव अनीमिया होता है इसके अंदर जो बोन मैरो होता है इनएडिक्वेटली रिस्पॉन्ड करता है लेस अमाउंट ऑफ RBCs इन द ब्लड। इसमें ये जो नॉन रीजनरेटिव अनीमिया होता है इसके अंदर इसकी जो वजूहात हैं वो या तो बोन मैरो में एबनॉर्मेलिटी है कोई, या फिर एरिथ्रोपोइटिन एक इंजाइम एक हार्मोन होता है जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है जो कि RBCs की प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाता है। अगर एरिथ्रोपोइटिन की ही प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ये भी नॉन रिजनरेटिव अनीमिया का रीज़न हो सकता है। तो क्लिनिकल साइंस ऑफ अनीमिया है वो डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ अनीमिया, ड्यूरेशन, अनीमिया में भी एक्यूट और क्रोनिक, एंड अंडरलाइन काज ऑफ अनीमिया। अगर तो एक्यूट अनीमिया है और रैपिडली ब्लड लॉस हो रहा है, एंड इफ़ द ब्लड लॉस इज़ मोर देन 1/3 वॉल्यूम ऑफ द टोटल ब्लड, देन देर विल बी अ चांस ऑफ शॉक और इवन डेथ। जो ब्लड लॉस होने के रीजंस हैं उसमें ट्रोमा हो सकता है, ट्रोमा जो है वो मे बी ओवर्ट हो सकता है, यानी जो ब्लीडिंग है हम उसको इजीली देख सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है यानी अकुल्ट ब्लीडिंग, जिसमें हमें बाहरी तौर पर ज़ाहिर तौर से तो पता नहीं चल रहा होता कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, लेकिन ब्लीडिंग इंटरनली हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्प्लीनिक एब्सेस है वो रप्चर हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होंगी, कोई अदर न्यूप्लेशिया है, GI ट्रैक्ट के अल्सर्स हैं, उसके अलावा स्टमक
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई पैरासाइट्स हैं तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होगी। तो जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको इस एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग और अकॉल्ट ब्लीडिंग। जो एक्यूट एनीमिया है इसके साइंस हैं जिसमें एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड वीक पेरिफेरल पल्सेस। जबकि जो क्रोनिक एनीमिया होता है उसके अंदर भी सेम यही साइंस प्रेजेंट होते हैं, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, वीक पेरिफेरल पल्सेस। इनके साथ साथ जो एनिमल इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम लिथार्जी, वीकनेसेस एंड एनोरेक्सिया। हम लोग मूव करते हैं जो डायग्नोसिस है एनीमिया के उसकी तरफ। डायग्नोसिस में सबसे पहले हमने ओनर से एनिमल की हिस्ट्री लेनी है, हमने उनसे पूछना है कि कोई अगर उन्होंने ओनर्स ने क्लिनिकल साइंस नोट किए हों हमने वो पूछने हैं, पेशेंट की वैक्सीनेशन स्केजुअल है उसके बारे में हमने दरियाफ्त करना है कि कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, पेशेंट का डाइट प्लान चेक करना है, उसके अलावा अगर कोई प्रीवियसली पेशेंट्स ने ट्रैवलिंग किया है तो हमने वो भी मालूम करना है। हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की तरफ मूव करेंगे। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम लोग CBC करेंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर हम लोग प्लेटलेट्स और रेटिकुलर साइट्स को भी काउंट करेंगे। प्लेटलेट्स और रेटिकुलर साइट्स को काउंट करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ये इवेलुएट कर सकेंगे कि जो बोन मैरो है वो रिस्पॉन्स सही दे रहा है, और दूसरा ये कि हम लोग सिवेरिटी ऑफ एनीमिया को डायग्नोज कर सकेंगे। RBCs इंडाइसिस होती हैं। इसके अलावा हम लोग जो RBCs हैं उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेक करेंगे और साइज़ भी चेक करेंगे, और ये और ब्लड स्मीयर बना के हम लोग ये डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे कि RBCs के अंदर कोई ब्लड पैरासाइट तो नहीं है। ये साइज़ और मॉर्फोलॉजी की इवेलुएशन ऑफ RBCs को हम लोग कहते हैं RBCs इंडाइसिस। जो मॉर्फोलॉजी और साइज ऑफ RBCs है हम लोग इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फिम्टोलीटर के अंदर। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के साथ साथ हम लोग हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को भी फाइंड करेंगे। जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर डेसीलीटर, और इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन उसको कहते हैं। जो रेटिकुलर साइट्स की अमाउंट होती है उसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जो RBCs में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं हीमोग्लोबिन की, जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं हम लोग उन्हें कहते हैं नॉर्मोक्रोमिया एंड हाइपोक्रोमिया। एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रोसाइटोसिस। जो मैक्रोसाइटोसिस है इसका मतलब होता है कि जो RBCs का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जो मैक्रोसाइटोसिस है ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है इन द केस ऑफ पूडल्स, ये डॉग की एक ब्रीड है। जो माइक्रोसाइटोसिस है यानी डिक्रीज इन द साइज ऑफ RBCs ये हम लोग वायरसेस के केस में ऑब्जर्व करते हैं कैट्स के अंदर। जिस डिजीज में ये माइक्रोसाइटोसिस होती है वो फिनाइल ल्यूकेमिया वायरस होता है। इसके अलावा अगर तो हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन हो रही है ये लेड पॉइजनिंग की वजह से होती है, और दूसरा ये हैंस बॉडीज जो के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या ब्रोकन हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग हैंस बॉडीज कहते हैं, और जो हैंस बॉडीज होती हैं ये ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं। नॉर्मली हैंस बॉडीज कैट के अंदर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये एक हमें क्लू देता है कि ये रिजनरेशन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोग एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो रेडियोग्राफ है। रेडियोग्राफ से हमें ये पता चल सकता है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। दूसरा ये कि हम लोग फीसिस को का एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पैरासाइट्स। अगर तो कोएगुलोपैथी का केस है तो उसके नतीजे में ब्रूजिंग होगी और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी। कोएगुलोपैथी को हम लोग चेक करने के लिए दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट है वो सिंपल सा टेस्ट है, उसमें हमने क्या करना है कि एक नॉर्मल स्लाइन का ड्रॉप लेना है स्लाइड के ऊपर, और उसके ऊपर एक ड्रॉप हमने ब्लड का डाल देना है, फिर उसको हमने जेंटली मिक्स करना है। अगर तो हमें फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई। मैक्रोस्कोपिक भी हमने इवेलुएशन करनी है और माइक्रोस्कोपिक भी इवेलुएशन करनी है। अगर तो हमें एग्लूटिनेशन उसमें ऑब्जर्व हो जाती है तो इसका मतलब है
आरबीसीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बॉडी ने बनाई हैं तो वो पॉजिटिव हैं। अगर हम इसमें हमें कंफर्म हो जाता है तो हमें सेकंड टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इससे हमें कंफर्म नहीं होता तो हम लोग सेकंड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट कोम्ब्स टेस्ट है। वो भी सिंपल ऐसा ही टेस्ट है। उसका प्रिंसिपल ये होता है कि हमारी बॉडी अगर अपनी अपने ही आरबीसीज़ को फॉरेन बॉडीज़ कंसिडर कर लेती हैं तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं जो कि अपनी ही आरबीसीज़ को की डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है, जिसमें हीमोलिटिक अनीमिया होता है। तो हम लोग जो आरबीसीज़ के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनी है हम लोग कोम्ब्स टेस्ट के अंदर उनको डायग्नोस करते हैं। एंड के ऊपर जो एडवांस लेवल के ऊपर डायग्नोसिस है वो ये है कि हम लोग बोन मैरो को एस्पायरेट करेंगे और इसको इवेलुएशन करेंगे। अब हम लोग बोन मैरो को ऑब्जर्व करेंगे हाइपोप्लास्टिक डिजीज़ के लिए। अगर तो माइलॉइड टू एरिथ्रोइड रेशियो जो है वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है जो रेड सेल प्रोडक्शन है वो मोर है। अगर तो माइलॉइड टू एरिथ्रोइड रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है जो वाइट सेल प्रोडक्शन है वो इज़ ग्रेटर देन रेड सेल प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये वाकई बहुत मुश्किल है और मैंने बहुत मुश्किल से इसको मेमोराइज़ किया है। तो इसकी अनीमिया की बहुत सी टाइप्स आगे मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँगा, जिसमें रिजनरेटिव अनीमिया की टाइप्स डिस्कस करूँगा, उसके बाद नॉन रिजनरेटिव अनीमिया की टाइप्स भी डिस्कस करूँगा। तो आप सब अपनी लाइफ में खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।